नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस बात का एहसास पहले से ही विपक्ष को था, लेकिन विपक्ष ने कहा कि हम जनता की आवाज उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास पूरे नंबर्स थे तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस बीच बहुत सारी चर्चाएं विधानसभा में हुई और एक दौर ऐसा भी आया कि विश्वास और अविश्वास की इस लड़ाई के बीच शेरो शायरी से एक दूसरे पर वार किए गए, जो अक्सर हम देखते हैं हरियाणा विधानसभा में। एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ शेरो शायरी के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर वार पलटवार किए जाते हैं। शेरों की अगर बात की जाए, शायरी की अगर बात की जाए, तो कुछ शेर के साथ मैं भी इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। बशीर बद्र लिखते हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इसको भी हम जोड़ सकते हैं विधानसभा की कार्रवाई से कि कोई कह रहा होगा, या किसी ने कहा कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। या फिर किसी ने यह भी कहा कि एक शख्स पास रहकर भी समझा नहीं मुझे, इस बात का मलाल है शिकवा नहीं मुझे, मैं उसकी बेवफाई को इल्जाम कैसे दूं, उसने तो इब्तिदा से ही चाहा नहीं मुझे, पत्थर समझ के पांव की ठोकर पर रख दिया, अफसोस तेरी आंख ने परखा नहीं मुझे। ये अक्सर हो सकता है कि जनता हर सरकार से कहती हो, लेकिन इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुआ, कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा और फिर सरकार की तरफ से किस तरह से पलटवार किया गया, जरा आप ही देखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा क्या जरूरत थी अविश्वास लाने की, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आए हैं। ठीक है कि सरकार के पास संख्या बल है, लेकिन उनकी आवाज कौन उठाएगा जिनकी आवाज जो है पूरी तरह से सुनी नहीं जाती। भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, देश में गरीबी हटाना हमारा धर्म है। राम राज्य का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को इंसाफ मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो, गरीबी का उन्मूलन हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। अंत्योदय का नारा देने से काम नहीं चलेगा। गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, जीवन को निर्वाह करने के लिए साधन दो, उनको आय कमाने के स्रोत दो। राम राज्य की स्थापना करनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का पालन करो। अहंकार की दुनिया छोड़ दो कि महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। इसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारता है। मैं समझ रहा हूं, मैं तो आपको याद करा रहा हूं कि उस समय आकाश के घोटाले, जमीन के घोटाले, पाताल के घोटाले हुए। आकाश में 2G 3G का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, पाताल में कोयले का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, और जमीन के भूमि घोटाले तो सारे देश में हुए हुए, हरियाणा में कितने उदाहरण है। आज भी जमीन के घोटालों में जीजा जी का घोटाला, फरीदाबाद का, वो तो सब पीछे ईडी लगी हुई है उसके ऊपर, तो क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा देखेंगे, लेकिन एक बार उजागर तो चीज हो ही गई। तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार पास हो गई। बहुत सारे सवाल एक दूसरे पर उठाए गए, बहुत सारे वार एक दूसरे पर किए गए। सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे, उसके जवाब सरकार की तरफ से दिए गए। किसने क्या कुछ कहा, किस तरह की बातें आई, ये लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा थी, जब वोटिंग का वक्त आया तो कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि जो हमारे मुद्दे तो उस पर चर्चा ही नहीं हुई। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, यह सबको मालूम है। नंबर गेम का भी सबको पता था कि किस तरह के आंकड़े किसके पास हैं। जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी महंगाई, कानून व्यवस्था को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। ये बातें निकलकर सामने आई थी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में क्या बोला? उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली, विपक्ष हर 3 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। हुड्डा के राज में मेरी भाभी ने भी पैसे देकर काम कराया था, पैसे देने पड़ते थे। हमने 1.25 लाख लोगों के घर जाकर पेंशन लगाई। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और विपक्ष पर निशाना भी साधा। तो वहीं डिप्टी सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। हमारी सरकार में हरियाणा विकास के पथ पर है, लोगों की सुविधाओं पर हम काम कर रहे हैं, 14 फसलों पर एमएसपी दे रही है सरकार। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो बातें जो सरकार की उपलब्धियों से गिरी सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी हों या फिर विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए हों उसकी बातें हों। इनेलो की तरफ से कहा गया कि किसानों से पाकिस्तानियों जैसा सलूक किया गया, इस अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या थी? अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने तो पहले ही लोगों का विश्वास खो दिया है। कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा सरकार में बड़े घोटाले हो रहे हैं, 2014 के बाद से हरियाणा में कर्ज बढ़ गया है। किसानों को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा, मुद्दे उठाए बेरोजगारी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, महंगाई के। लेकिन आखिरकार रिजल्ट यह निकला कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो गिर गया। लेकिन इसी बीच एक मौका ऐसा आया सदन के अंदर कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, सवाल जवाब के दौरान एक दूसरे पर विश्वास अविश्वास को लेकर शेरो शायरी के जरिए निशाना साधा गया। वो हिस्सा भी आप देखिए और उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सियासत की रंगत में तो ना डूब इतना कि जनता का दर्द भी नजर ना आए। अरे जरा सा याद कर लो अपनी जुबान को, अगर तुम्हें आपसी अपनी जुबान का कहां याद आ जाए। कहां का मैनिफेस्टो देखो, अपना मैनिफेस्टो देखो फिर बात करो। मैनिफेस्टो देख के बात की जो आपने जुबान ली, ख्वाहिशों के बोझ से बशर एक उर्दू के बहुत बड़े कवि हुए हैं, बशर शायर हुए हैं। ख्वाहिशों के बोझ से बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। आज ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश हमेशा क्या, बस एक मौका दे दो। अब तो मैं 75 साल का हो गया, अब एक बार और आखिरी बार और, ये ख्वाहिशें ये आदमी को तंग करती हैं। कायनात की मूरत बेच देते हैं, जन्नत की सूरत बेच देते हैं। अरे ये बल्लभ ट्यूबलाइट बेचने से क्या होगा, झूठी बेचना है तो सीधा सूरज बेच दे। हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें। बर्फ भी गिरती है, चलो बर्फ लगा लेंगे तो भी हजार बिजली गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं भी एक फरमा दूं जी, ये फैज अहमद फैज साहब की गजल की पंक्तियां हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ दी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहे। नहीं जम रहे आपके तो सदन में इस तरह से कार्रवाई के दौरान बहुत सारी बातें हुई। तो शायरी के जरिए ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, सूरज को लेकर, रोशनी को लेकर, चिरागों को लेकर, दियों को लेकर इस दौरान बहुत सारी बातें हुई। तो किसी ने कहा कि उजाले बांटकर हर शाम घर जाने की आदत है, मैं सूरज हूं समंदर में उतर जाने की आदत है, दिखावे के लिए झूठी मोहब्बत मुझसे मत करना, मेरे हमदम मुझे हद से गुजर जाने की आदत है। ये शायद जनता कहती हमारे देश की। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी से वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से रविंद्र हुल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनेलो से हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन रविंद्र हुल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी कि जरूरत क्या थी इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की, जब पता था कि आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है,
नंबर आपके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर जाएगा, तो फिर जरूरत क्या थी? कहा है बड़ा स्पष्ट तौर पे कि हमारे पास में नंबर नहीं है, लेकिन हम जो है बहुत चीजों को एक्सेस करना चाहते थे, पहले तो मुद्दे, और दूसरी चीज ये है कि आज में ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन सा है जो बात तो करते हैं हम जनता के साथ, लेकिन खड़े मिलते हैं सरकार के साथ, उन लोगों को भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं। रविंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा मैं चेक करवाता हूं। बन्ना पोपली जी, बहुत सारी बातें उठी हैं कि सरकार अहंकार में है, इसका जिक्र सदन के अंदर हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया विपक्ष का, सरकार को कोई खतरा नहीं था, ये पहले से ही बात थी, लेकिन सवाल बहुत सारे लगातार उठते रहे। नासिर, अविश्वास प्रस्ताव गिरा नहीं, सर्वसम्मति से गिर गया। मतलब मुझे लगता है बड़ी हैरानी वाली बात है, कांग्रेस जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, मतलब शेरोशारी का बहुत जिक्र हो गया, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें यकीन नहीं, वही सिचुएशन जो है कांग्रेस की हो रही है। कितने दिन पहले जब भी बात होती थी, बजट आता था, तो उससे पहले ये बोलते थे कि समय नहीं मिलता, हम अपनी बात नहीं रख पाते, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि आप रुक जाना विधानसभा में, वॉकआउट मत कर जाना, आप अपनी बात भी कहना और सुनना भी, ऐसा मत करना कि हम कहते रह जाएं कि हमारी बात तो सुन लो लेकिन आप निकल जाएं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समय में बिना वोटिंग कराए बाहर जिस प्रकार से निकल गए, मुझे लगता है इसका जवाब तो रविंद्र ढुल जी को देना ही पड़ेगा कि अगर इनको विश्वास ही नहीं था कि इनका अविश्वास पत्र कहीं प्रस्ताव कहीं पर टिकेगा भी, तो वो वॉकआउट क्यों किया, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। इनके जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो तमाम तरह की बातें करते रहे, उन्होंने कहा कि जनता का अविश्वास है, तो अगर ये अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से गिर गया है, तो इसका मतलब जनता का विश्वास तो हम पर है ही, ये चीज मानेंगे। कभी कहने लगे कि चमत्कार हो जाएगा, और अभी गीता बुक्कल जी भी कुछ कह रही थी कि आवाज उठाने के लिए, आवाज तो विधानसभा उठाने के लिए है कि अपने प्रश्न कीजिए, लेकिन विधानसभा को इन्होंने वॉकआउट का एक तरीका बनाया हुआ है, वो हमारे को समझ आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात नासिर, आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा समय जो है वो कहीं ना कहीं टाइम किल करने के लिए, ताकि समय को खराब करना, मतलब जनता का पैसा उसमें लगा है, काम वहां पर जो काम काज होना चाहिए उसके बजाय जिस तरह की बातें हो रही थी, आप ये देखिए गाली गलौज तक हो गई। इस एक समय में ये सिचुएशन आई कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो खड़े हुए, विधायक हैं वो खड़े हुए, और खड़े होने के बाद उन्होंने पहली अपनी बात शुरुआत करी, उन्होंने गाली से शुरू करी, उसमें समय वेस्ट हो गया। बत्रा जी उठे, वो एम्बलम के यूज के लेकर उन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे डाला, उसके जवाब देना पड़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट बात थी, जनता से जुड़े हुए हितों को लेकर उठाने वाली बात थी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। और आप ये देखेंगे कि हुड्डा जी एक समय में बोले कि हमें कंफ्यूजन होगी कि हमें 2 घंटे मिले हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने क्लियर किया कि 1 घंटा आपके लिए था और 1 घंटा सत्ता पक्ष के लिए था, तो उन्होंने कहा ऐसे करिए आप हमें 1 घंटा और दे दीजिए, हम 1 घंटा बाद में रुक जाएंगे, तो ज्ञानचंद जी ने कहा कि आप एक काम करिए आधा घंटा और ले लीजिए, आधा घंटा हम उधर बढ़ा देते हैं। तो जैसे इन्होंने अपनी बात खत्म करी, जिसमें कोई आपस में कोई बात नहीं जुड़ रही थी, इनको समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या बोले, और जैसे जवाब मिलने शुरू हुए और ये इमीडिएटली भाग लिए, यही तो सिचुएशन है ना। इनके एक विधायक है रेवाड़ी से, चिरंजीव राव, वो क्या बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ओपीडी की क्लासेस कब शुरू होंगी एम्स में, शिलान्यास हुआ है, काम शुरू हो गया है, और वो कह रहे हैं ओपीडी की क्लासेस, उठ के खड़े होकर बताना पड़ा कि जी ओपीडी की क्लासेस नहीं होती हैं, ओपीडी में मरीजों को देखा जाता है। तो ये तो इनके सिचुएशन है कांग्रेस की, वो कहते हैं ना हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, वही सिचुएशन है कि किस प्रकार से टूट टूट के लोग इनके यहां से जा रहे हैं, उसका कारण यही है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, यही कारण है वो आज विधानसभा में दिखाई दिया। हर तरह की कोशिश की गई कि डिस्ट्रैक्ट किया जाए, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, जब इनसे पूछा गया कि आप जो बातें कर रहे हैं क्या उसके लिए आपके पास कोई सबूत है, या कोई आप किस बेस पर ये बातें कर रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए, तो वो भी कोई जवाब नहीं था, हवा में बोलना, और जब बोला जाता है कि आप बताइए कि इसका सबूत क्या है, तो उसका जवाब नहीं देंगे।
और जब ये बता दिया जाए, जिस बात पर ये सबसे ज्यादा परेशान हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ ईमानदारी से नौकरी दी जाती है, और गीता बुक्कल जी की पुत्री का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो हरियाणा की बेटी है, उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी है क्योंकि मैं इस प्रदेश का मुखिया हूं, तो मेरी भी बेटी है, हरियाणा की बेटी है, तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि अगर कोई और सरकार होती तो शायद उनको नौकरी नहीं मिलती। और उसके बाद तो इमीडिएटली ऐसे उठकर भागे कि अब तो जवाब आने लग गए हैं और बड़ी बहुत बुरा हाल होगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहां से चले जाए। तो मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से गिरना एक बहुत बड़ी हार है कांग्रेस पार्टी की। उनको इस चीज को समझना चाहिए कि बहुत हो गया बहाना कि आखिरी चुनाव है, इस बार ये कर देंगे, इस बार वो कर देंगे। जनता सब समझती है, उनको ये समझ आता है जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं घोटालों पर। मैंने देखा कि इनके तरह तरह के आरोप आ रहे थे। नासिर, मुझे लगता है कि अगर 2014 से पहले देखें, हम तो 2014 में आए थे, लेकिन 2014 से पहले अगर देखें तो कौन कौन सी पार्टी है जिन पर इल्जाम लगते थे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, आरजेडी, ये कौन सी पार्टीज है? वो कहीं ना कहीं पावर में रही हैं और उनकी संपत्ति भी अटैच हुई है। 14 पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन फिर भी उनको वहां पर ये कहा गया कि नहीं, ये जो केसेस हैं वो सही चल रहे हैं। लेकिन 14 के बाद ये सारा का सारा आरोप लगा देते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ऐसा कर रही है, ईडी ऐसे कर रही है। उसके बाद जवाब तो आपको देना है ना, वो भारतीय जनता पार्टी जवाब थोड़ी ना देगी। रमन ढोल जी, अगर आपको अब आवाज, दीप कुमार सारण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी से नमस्कार, स्वागत है आपका दीप कुमार सारण जी। रमन ढोल जी, उस टाइम पर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, आपने सुना कि वंदना पुबली कह रही है कि जब जवाब मिलने शुरू हुए तो वॉकआउट कर गए, सदन से भाग गए, ना नीति थी, ना नियत थी, ना कोई विजन था, ना दिशा थी, बस हवा में बात करने लगे आप लोग। देखिए, जो कहना था वो कह दिया। आपको आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही आपकी ठीक आवाज़ जी। मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज। नहीं, आप बोलिए, आपकी टीवी पर आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो कहना था वो था, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई सरकार मुद्दों को सुनने के लिए प्रॉपरली तैयार होती है, तो वॉकआउट जब वॉकआउट हुआ तो इस चीज का होगा कि हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें हमारी बात दे रहे हैं, उस चीज का वॉकआउट। ऐसा नहीं है कि वो जाकर बात वोटिंग है, वोटिंग के रिजल्ट का हमें पहले से पता था, हमें दिखाना था, हमें दिखाना, लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि जैसे जेजेपी के विधायक है, तो जेजेपी के विधायक जेजेपी के साथ भाजपा के साथ है, वो चीजें सामने आए। ऐसे विधायक है जो निर्दलीय ये बात करते हैं कि हम जनता के साथ, हम सरकार के साथ नहीं है, उनके चेहरे सामने आए। बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में हम अपनी बात, कुछ चीजें रखने में हम सफल हुए, बहुत सारी चीजें करने में समय लिया, उसके कारण हम सफल हुए। ठीक है सर, उनको आगे भी रखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात इसके नतीजे की थी, नतीजे के अंदर तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, बेवन से नहीं था। ठीक है सर। दीप कुमार सारण जी, नतीजा कांग्रेस को पहले से ही पता था, रविंद्र ढुल साहब कह रहे हैं, और इस बात का जिक्र कांग्रेस के कई नेता कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ लोगों को, मतलब उनका इशारा एक तरीके से है कि बेनकाब करना था, उनके 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 सामने से पर्दे हटाने थे, तो वो आज हट गए सदन के दौरान। जेजेपी का उन्होंने जिक्र कर दिया कि हम ये दिखाना चाहते हैं किस तरह का अंदरूनी कलह नजर आ रहा है, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस कामयाब हो गई इस चीज में? देखिए नासिर जी, इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी के चाहे कोई भी पर्पज रहे हों, चाहे लिखित में दिया हुआ कोई कारण हो, चाहे पार्टी के अंदर इन्होंने कोई मकसद तय किया हो, चाहे डिबेट में बताने के लिए कोई मकसद हो, या कोई और छुपा हुआ मकसद हो, मैं मानता हूं कि हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी विफल और दिशाहीन दिखी है इस अविश्वास प्रस्ताव के मामले में। एक भी मकसद किसी भी लेवल का, चाहिए यूं कहे कि चर्चा करवाने के लिए, अलग अलग विषयों पर चर्चा करवाने के लिए, और उसके ज़रिए सरकार की कोई विफलताएँ हैं तो उनको एक्सपोज करने के लिए हमने ये मोशन दिया था, तो उसमें भी फेल हुए हैं। एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सही इस्तेमाल किया हो इस अविश्वास प्रस्ताव का और बजट सेशन का अब तक। जहां तक बात यह है कि इसके ज़रिए कुछ लोगों को एक्सपोज किया जाना था, विधायकों को, या कोई और बात इस तरीके की राजनीतिक कोई मंशा थी इसके पीछे, मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आत्मविश्वास पाने के लिए ही वो अपने बेटे को राज्यसभा में भेजते हैं कि वहाँ पर भी एक हुड्डा होना चाहिए।
अपने आप को नेता विपक्ष बनाते हैं कि वहां पर भी एक हुड्डा होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को बनाते हैं कि वहां पर भी अपनी कठपुतली होनी चाहिए, और नेता विपक्ष के नाते अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं ताकि ये साबित कर सके कि किरण चौधरी, शमशेर गोगी या कोई और विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी मेरे पीछे हैं, ये भी दिखा सके कि बलराज कुंडू निर्दलीय, अभय सिंह चौटाला इनेलो के, या कोई अगर सरकार से नाराज है इनको लगता है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ के उनके नेतृत्व में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के साथ खड़े हैं। हर एक लिहाज से बार बार एश्योरेंस खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं लीडर हूं, मैं 2024 के लिए कैंडिडेट हूं, मैं लीड करूंगा सरकार के खिलाफ ओपोजिशन को, बार बार ऐसी कोशिशें करते हैं। इतनी हताशा दिखती है उनकी कार्यशैली में, उनकी प्लानिंग में, उनके सलाहकारों में, कि मुझे ये लगता है कि ये जिसको कहते हैं ना कि बुढ़ापे में आकर या किसी ऐसे पड़ाव पर आकर कोई अपनी खिसियाहट दिखाता, अपनी बेइज्जती करवाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस दौर में जा रहे हैं, उस दौर में जाते जा रहे हैं। उनकी एक गरिमा होनी चाहिए, उनका एक कद होना चाहिए, उनकी एक राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए कि कौन सा काम, कौन सा कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए कितना मानसिक रूप से तैयार है। ये नहीं कि हाँ बजट सेशन आ रहा है तो एक ये वाला मोशन ले आते हैं, इसके जरिए हम एक भी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, अच्छा एक ने हमारे एक ने भी कोई अच्छी बहस की है। प्रस्ताव लाना कोई गलत तो नहीं है? गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक परिपक्वता और जो उसके अंदर दूरदर्शिता है या उसके अंदर जो मैच्योरिटी है वो तो तभी दिखेगी ना जब आप उसके किसी एक पैरामीटर पे तो फायदा उठा पाए हो। क्या एक भी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने कोई भी नई बात कही है, किसी ऐसी बात का खुलासा किया है, कोई ऐसा आरोप या कोई ऐसी ऐसा विषय लेकर आए जिस पर सरकार घिरी हो? ऐसा लग रहा था कि वो एक जैसे फ्रस्ट्रेशन में कोई बॉल फेंके जा रहे हैं और सरकार के मंत्री एक एक पर चौके छक्के मारे जा रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में बात को बदलने के लिए थोड़ा शेरो शायरी कर लेते हैं, आज चुटकुला तो नहीं आया लेकिन कल परसों में आप हुड्डा साहब को चुटकुला सुनाते हुए भी देखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं उनके लेवल के नेता से मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं है कि जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, 40-50 साल से राजनीति कर रहा हो, वो एक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि विधानसभा का मंच रोज रोज नहीं लगता है, विधानसभा का प्लेटफॉर्म जब होता है तो उसकी तरफ निगाहें बहुत ज्यादा होती हैं, सब लोगों को निराशा होती है जब हमारे विधायक और हमारे नेता ऐसे काम। मैं आता हूं दोबारा से, विजेंद्र रेड्डी जी, आप लोग सरकार के खिलाफ हैं सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी, अभय चौटाला जी ने कहा भी कि जरूरत ही नहीं थी अविश्वास प्रस्ताव लाने की, सरकार तो विश्वास खो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है? कांग्रेस का आज का जो रुख रहा सदन के अंदर उस पर आप क्या कहेंगे, और सरकार की तरफ से जिस तरह से वार पलटवार का दौर नजर आया था या वार किए गए, जिस तरह से दीप कुमार सारण जी कह रहे हैं कि वार किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ से मंत्री चौके छक्के मार रहे थे। देखिए कुरैशी जी, जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों की चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई थी विधानसभा सत्र की तैयारी करने के लिए, और वहां पर यह कहा गया था कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, उसके बाद जितनी भी डिबेट इससे संबंधित हुई, हमने उसी दिन से कहा था कि पहले की तरह इस बार भी कांग्रेस वोटिंग के समय वॉकआउट करेगी और वोटिंग से पहले ही बाहर जाने का काम करेगी, और वही काम इन्होंने किया। देखिए जो पार्टी खुद में इतनी टूट है, खुद एकजुट नहीं है, इनके 30 विधायक में से 25 विधायक सिग्नेचर करके अविश्वास प्रस्ताव को पटल पर रखने का काम करते हैं, उसमें भी 5 एब्सेंट रहते हैं, और उधर माननीय किरण चौधरी जी ने पहले ही इसका खंडन कर दिया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या है जब हमारे पास संख्या बल ही नहीं है। तो इन सारी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इन्होंने एक दिखावा करने का काम किया, और यह सही बात है कि वो दिखावे में भी ये कुछ हासिल नहीं कर पाए और वो बुरे तरीके से गिरा। अभय सिंह ने ठीक कहा, अभय सिंह ने भी कहा है कि भाई जो सरकार फील्ड में अपना विश्वास खो चुकी है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या है, क्या आप उसको और ज्यादा ये दिखाना चाहते हो प्रदेश के अंदर के भाई इन्होंने विश्वास मत जीत लिया है? कितनी बार ये सिद्ध करवाओगे सरकार से कि ये हर बार विश्वास मत जीत जाते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसा करने की? ठीक कहा अभय सिंह जी ने कि जो इतनी भ्रष्ट सरकार है जिसमें खुद मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हर महीने 15 जनसेवक करप्शन के मामले में पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो करप्शन के मामले में जेल तक भी चले जाते हैं और जेल के बाद आकर के उनको बड़े बड़े पदों पर नवाजा जाता है, कमिश्नर बनाया जाता है, ऐसी सरकार की तो जनता में वैसे ही छवि खराब हो चुकी है, वैसे ही वो अविश्वास पर आ चुके हैं, तो उनके लिए
इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता है। और जैसे कि अभी आपने सुनाया सभी को शेर व शायरी, विधानसभा का पटल अति महत्वपूर्ण पटल होता है जिसके ऊपर न केवल प्रदेश की बल्कि देश की भी निगाहें होती है। हरियाणा प्रदेश का विधानसभा बजट सेशन चल रहा है, वहां पर क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या क्या डिस्कशन होते हैं। उधर हमारा हरियाणा प्रदेश किसान आंदोलन में झुलस रहा है, चारों तरफ इतने बड़े बड़े बॉर्डर और नाके लगाए जा रहे हैं और उधर ये शेर व शायरी करते हैं। नेताओं को थोड़ी जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, इस तरह के शेर व शायरी करते हैं और देश में आग लगी हुई है, गोलियां चल रही है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, अश्रु गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, किसान तड़फ रहा है और यहाँ पर शेर व शायरी करके इतने महत्वपूर्ण पटल का समय जो जाया करने का काम किया जा रहा है। अच्छा होता कि प्रदेश की नीतियों पर विचार करते, प्रदेश के विकास पर विचार करते, बजट में क्या और होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर विचार करते तो ज्यादा अच्छा लगता। पहले दिन का जो सत्र था हमने उसमें देखा, उन्होंने आधा सत्र तो इसी बात पर निकाल दिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विचार चर्चा आज ही होगी या कल होगी, आज ही होगी या कल होगी, ऐसे निकाल दिया। आज का सेशन इन्होंने इसमें निकाल दिया, बिना मतलब कि जो एक अविश्वास प्रस्ताव था उसमें निकालने का काम कर दिया इन्होंने। तो आखिर ये चर्चा क्या करेगी किस प्रकार से? अच्छा होता कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दे पर जब उनको चर्चा का समय मिला, दो घंटे का मिला, ढाई पांच सेकंड और बस, दो घंटे का टाइम मिला, ढाई घंटे का चर्चा का मुद्दा मिला, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते, किसी जो ना कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मुद्दा उठाते या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते। ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ सर आपके पास दोबारा से। जी रविंद्र डोल जी, कई बात निकल कर सामने, आपने सुना आदीप कुमल जी जब बोल रहे थे तो आप इशारा भी कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि दरअसल कोशिश ये थी कि कांग्रेस के ही विधायकों को साथ में दिखाने की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कि मेरे साथ हैं, या फिर जो दूसरे निर्दलीय विधायक हैं या इनेलो के विधायक थे उनको दिखाने की कि ये भी हमारे साथ हैं, वरना सरकार को घेरने का कोई मकसद नहीं था, अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश थी। नासिर भाई, इस तरह की चीजों की अपेक्षा एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता से जिनकी पार्टी का कोई भी विधायक कम से कम सात विधायक जो है इनके नेता के साथ नहीं, इनसे ये इससे की अपेक्षा करने की नहीं, ना इनसे ये हमें अप्रूवल की जरूरत है कि भी जेजेपी हमें बताएगी कि पार्टी के लीड है, पार्टी के विधायकों को कैसे लेकर के चलते हैं। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इनके कौन से विधायक इनके के बारे में क्या कहते हैं ये सब चीज सबसे कहने की जरूरत नहीं है। इनकी पार्टी के नेताओं के पास इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इनकी पार्टी के विधायकों का विश्वास पत्र इनको हासिल नहीं है, तो इनसे इस तरह की बात की अपेक्षा ना रखें और इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि ये अपनी जननायक जनता पार्टी हरियाणा से अपनी पॉलिटिकल पूरी तरह से इनके नेताओं, इनके जो विधायकों से इनके सर्वोच्च नेता अपने पॉलिटिकल हो चुके हैं, इनके पीछे कोई भी रीजन ना हो, जैसे एक रीजन ये है कि भाजपा नहीं दे करके और भाजपा की पूछ पकड़ के सरकार बना के बैठी है और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर किसान आंदोलन रहा हो तो और मुद्दे हो चाहे भ्रष्टाचार मुद्दा हो, इनके नेताओं के अंदर इतना समर्थन कि सरकार से समर्थन बड़ा वापस ले ले, आज भाजपा इनको बिल्कुल नहीं पूछती, तो भी इनको पूछ पीछे घूम रहे हैं, तो इनसे तो क्या ही अपेक्षा रखनी चाहिए। तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा के मामले में जितने भी हमारे पास में मुद्दे हैं, जितने भी हमारे पास में फैक्ट, उन सभी फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में सबूत भी है, तो ऐसा नहीं है कि पटल पर पहले भी रखे गए या नहीं रखे, आज नहीं रखे जाएंगे या कल भी नहीं रखे जाएंगे। होता ये है कि विधानसभा के पटल पर आश्वासन के बावजूद भी, विधानसभा के पटल पर इनके एक्सपोजर के बावजूद भी, यदि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों के ऊपर जो है जवाब देना नहीं चाहती, उन मुद्दों नहीं करना चाहती, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहती, क्या भ्रष्टाचार की पब्लिक नहीं हुई, क्या प्रॉपर्टी आईडी के मामले के अंदर जो 50-60 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला आया था वो पब्लिक नहीं हुआ, HSSC की जीटी का जो मामला है उसके अंदर नहीं होता किस प्रकार से इन्होंने गलती की है, क्या HPSC के मामले में रेड का मामला उसमें प्रदर्शित नहीं होता कि नौकरी के मामले में भ्रष्टाचार है, क्या ऐसी बहुत सारी चीजें आज के दिन प्रदर्शित नहीं होती हैं, चाहे रीजनल स्तर के ऊपर हो चाहे अपने प्रदेशिक स्तर के ऊपर हो, जिसमें हमारे पास में उसकी कमी नहीं है और हमने रखे भी है, तो यह है कि कार्रवाई कहां हुई उनके ऊपर।
नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि अगर केसेस इस तरह के आ रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। पहले तो कार्रवाई नहीं होती थी आपकी सरकार के दौरान, बार बार बीजेपी कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो ये कोऑपरेटिव का 100 करोड़ का घोटाला है नासिर, कोऑपरेटिव का 100 करोड़ का घोटाला है, किस नेता के इशारे के ऊपर, आप नेता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्या क्या ये छोटे छोटे जो क्लरिकल लेवल के अधिकारियों को पकड़ करके कार्रवाई की जाती है? ठीक है सर, ठीक है, वंदना पोपली जी, क्या इन चीजों का बिल्कुल नहीं पता है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ कि किस 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 कैबिनेट मिनिस्टर की छह के नीचे हुआ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? वंदना पोपली जी, आरोप आप पर है कांग्रेस का, द्रविड़ मुर्मू कह रहे हैं कि छोटे छोटे मामलों में कार्रवाई कर दी जाती है और जो बड़े घोटाले होते हैं, बड़े मामले होते हैं, वो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, छोटे छोटे, और फिर आप लोग कहते हैं कार्रवाई करते हैं, पकड़ करके ये कहते हैं कि हमने पर्दाफाश कर दिया। देखिए मुझे लगता है, देखिए मुझे आज लगता है कि आज बहुत क्लियरली जो है विधानसभा में कई बातें उठी और उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से दिया। अब ये बार बार कुछ एक मुद्दों को लेकर बोलते रहे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप कोर्ट में चले जाइए, तो बीवी बत्रा जी बोले हम क्यों जाएं कोर्ट में। मतलब मुझे लगता है ये भी समझना चाहिए कि जो जिन घोटालों का जिक्र मुख्यमंत्री जी कर रहे थे उनके बारे में जो शिकायत है वो 2014 से पहले ही हो गई थी। आपके लिए सभी द्वार खुले हैं, आपको अगर कोई लगता है कि कहीं पर इस तरह का केस है तो आप जाइए, हम तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर कोई भी घोटाला कर रहा है तो हम उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं पर लगता है तो आपके लिए तो सारे द्वार खुले हैं, किसने मना किया है? आप ये देखिए, ये यहाँ पर घोटालों की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बता दीजिए कि हमारे कौन से लीडर ऐसे हैं जिनका नाम किसी घोटाले में आ रहा है? अधिकारी आएगा तो उनको हम पकड़ेंगे, लेकिन आपके ऊपर से लेकर नीचे तक 2G 3G की बात कर लीजिए तो उसमें मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, मानेसर लैंड स्कैम की बात कर ले तो हुडा जी का नाम आता है, AJL की बात कर ले तो हुडा जी का नाम आता है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड में आता है। तो ये सारे जो नाम है ये आपके पार्टी के मुख्य नेताओं के हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं, बार बार केस को भुगत रहे हैं और वहां पर जवाब दाखिल कर रहे हैं, संपत्ति अटैच हो रही है। लेकिन इस तरह का कोई भी आरोप अगर आपको लगता था तो विधानसभा में उठाते हो, सबसे बड़ी बात आपके ही जो नेता हैं वो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप तो बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी तरफ से आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब सबसे पहले डूल जी ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हम सफल रहे, मतलब सफल रहना क्या, जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने वाली बात है। अगर सफल रहते, अगर आपका यही मकसद था कि आप सफल रहे, आप मुद्दे उठा पाए, तो आप क्यों नहीं रुके? मुझे इस बात का जरूर जवाब जरूर दीजिएगा, इससे भागिएगा नहीं, कि आप वोटिंग तक क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं आपने वो गंभीरता दिखाई कि हम देखिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो आप वोटिंग तक क्यों नहीं रुके, वॉकआउट क्यों कर गए, ये भी बता देना। और एक्सपोज करने की बात आप कर रहे थे तो मुझे लगता है एक्सपोज आप खुद ही हो गए, किस प्रकार से गाली गलौच हुआ, किस तरह की कहां की बात कहां ले गए, और किस तरह से आपके विधायकों को बोलना नहीं आता, उनको पता ही है क्या प्रश्न है, तो आप बहुत अच्छे से एक्सपोज हो गए। और सबसे बड़ी बात नासिर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप इनका तरीका देखिए, ये क्या बोलते हैं कि आप किस चीज पर बोलेंगे, किस चीज पर नहीं बोलेंगे। अभी कह रहे जवाब नहीं मिला, ये कहते हैं कि सरकार अपने कामों के बारे में कुछ नहीं बोले, सरकार हमारे पुराने कार्यकाल के बारे में बिल्कुल नहीं बोले, सरकार जो है दूसरे प्रदेशों में हमारी सरकार है उसके बारे में कुछ नहीं बोले। तो भाई सब कंपैरिजन करेंगे, अपना भी बताएंगे, आपका भी बताएंगे, कंपैरिजन तो करेंगे। अब तकलीफ क्या होती है कि जी सच सामने आता है। अगर आपको लगता है कि आपको जवाब नहीं मिल रहा था तो आप पहले क्यों चले गए, इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। आपको कम से कम इंतजार तो करना चाहिए था, ये पूरे प्रदेश की जनता देखा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, आप बीच में भागे, आप बीच में पहले चले गए, उसके बाद आप आरोप बिल्कुल नहीं लगा सकते, आपकी बात का जवाब नहीं दिया नहीं है, ये सारा होना ही है। अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा तो वोटिंग से पहले क्यों चले गए, इस चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए वॉकआउट इसलिए किया जैसे कि हमारे नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप जो है हमारी सभी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, हमारी में समय देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने वॉकआउट किया। नंबर्स वाली तो इशू ही नहीं, नंबर वाज नेवर इन क्वेश्चन, देवंश कह रहे हैं इस बात। मुद्दा ये है कि भाई आप हमें समय क्यों नहीं दे रहे जब हमें समय मांग रहे हैं, ठीक है। और ये एक बड़ा जाता प्रखा एक तरीका है अपना रोष प्रदर्शन करने का विधानसभा लोकसभा के अंदर, क्या भाजपा ने कभी वॉकआउट नहीं किया क्या? कांग्रेस की सरकार के दौरान भाजपा वाले सदन के अंदर हम चार होते थे, विधायक बाहर ज्यादा बैठते थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने वॉकआउट नहीं किया।
ऐसा नहीं है कि विपक्ष नेता जो है विधायक या सांसद वॉकआउट नहीं करते हैं, किया जाता है रोष के प्रदर्शन के लिए किया जाता है और हमने किया। कुछ भी गलत नहीं है वंदना पोपली जी, वॉकआउट तो सभी करते हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो कह रहे हैं कि फिर वॉकआउट किया गया, हमारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। दीप कमल जी भी कुछ कह रहे हैं। जी दीप कमल जी, मैं आ रहा हूं वंदना जी आपके पास फिर। देखिए, एक तो एक घंटे से बढ़ाकर डिबेट का लिए इनको समय डेढ़ घंटे से ज्यादा दे दिया गया, और जितनी बातें जो जो इनके विधायकों ने कही सारी बातें आ गई। और दूसरी बात थोड़ा सा एक अंतर होता है, आधा घंटा इनका बढ़ा दिया एक, उसके साथ एक चीज और भी होती है, एक घंटे पूरे सदन की कार्रवाई के दौरान किसी विषय पर चर्चा करते हुए या किसी विषय को उठाते हुए वॉकआउट करना एक अलग प्रक्रिया का हिस्सा है, या उसका एक अलग टूल है असेंबलीज का। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव खुद लाकर और उसकी वोटिंग से पहले वॉकआउट करना, और वो दूसरा वॉकआउट बराबर नहीं है। आप खुद लेकर आए हैं अविश्वास प्रस्ताव, यानी नंबर गेम लेके लिए लेकर आए हैं आप, और उससे पहले आप चले गए। मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव शायद देखना पड़ेगा रिकॉर्ड में, शायद इकलौता ही कभी हो कि जब ध्वनिमत से यूनानिमसली सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज हुआ हो। इससे पहले कब हुआ होगा, ऐसे मुझे देखना पड़ेगा इस बात का। मैं कह रहा हूं अब कितना जस्टिफाई करें, क्या करें इस बात को, इससे ज्यादा फजीहत और इससे ज्यादा दिवालियापन जिसको कहते हैं, खोखलापन। लेकिन वो बार बार एक बात कह रहे हैं दीप कुमार जी, कांग्रेस के नेता, कि हमारे जो मुद्दे तो उस पर चर्चा ही नहीं हुई, हमें वक्त नहीं मिला। मैं एक बात और बताता हूँ। एक तो मैं आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो खूबी बता रहा था कि उनको बार बार एश्योरेंस चाहिए होती है, तसल्ली चाहिए होती है अपनी लीडरशिप पर। वो बार बार हर छः छः महीने में कोशिश करते हैं कि कोई मौका मिलता रहे हरियाणा के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हूँ अभी, मैं लीडर हूँ अभी। एक और है उनकी क्वालिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, वो ये है कि वो कोई बात शुरू करते हैं राजनीतिक रूप से, अगर वो सफल हो गई तो सेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाप का तैयार होता है कांग्रेसियों के पास, और अगर विफल हो गई तो फिर वो गलती किसी और की होती है। यहां पर जो विफलता होने वाली थी उसका सेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ना बंधे, उसका ठीकरा ना फूटे उनके सिर पर, इसलिए ये वॉकआउट करवा के लेकर चले गए सबका। 33 विधायक हैं हरियाणा में विपक्ष के पास आज के दिन, अगर ये गिनती करते तो ये 25 आते, 26 आते। तब कोई उनसे पूछता कि आप तो 33 लेकर चले थे और आपको 45 करने थे अविश्वास प्रस्ताव में, आप तो 33 से 25 पर ले आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये कौन सी राजनीति है, कैसे लीड करोगे आप? उससे बचने के लिए कोई भी मौका हो, राज्यसभा का चुनाव हो, हार होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गायब हो जाएंगे, ठीक है सर। जीत होगी तो लड्डू बटेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहां ढोल बजेंगे। जीत होती है आपको हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दिखेंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है दोनों बाप बेटा गायब हो जाते हैं। इतने शातिर है, इतना बेवकूफ बनाते हैं कांग्रेस के लोगों को ये, और वही काम आज किया। जब हार होने लगी थी ये दिख रहा था कि 25 विधायक भी सदन में मौजूद नहीं है वोट डालने के लिए सरकार के खिलाफ, तो लेकर चले गए। ऐसी संख्या आता हूं आपके पास, विजेंद्र रेड्डी जी हालांकि आपने पहले ही कह दिया कि जरूरत नहीं थी, अभय चौटाला ने कह दिया सदन में कि जरूरत नहीं थी अविश्वास प्रस्ताव की, सदन में पहले ही सरकार विश्वास खो चुकी है जनता के बीच अपना। लेकिन आप लोगों का रुख क्या रहता अगर वोटिंग के दौरान कांग्रेस वॉकआउट ना करती, और उस दौरान आपका पक्ष भी बड़ा मायने रखता था कि किस तरफ हैं आप, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, वो तो सुबह कह चुके थे कि भाई मैं तो समर्थन करता ही नहीं हूं, क्लियर उन्होंने कर दिया। बड़ा देखिए कुरैशी जी, बड़ा अजीब प्रश्न आपने पूछ लिया, मैं समझता हूँ इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। जब सबको पता है, ऑलरेडी सब जानते हैं कि कांग्रेस के 30 विधायक ही इकट्ठे नहीं है, वो ही इकट्ठे एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो फिर इसके लिए क्या जवाब दे हमें? अच्छा। ये तो पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत इनकी एक मंशा थी, और ये कहीं ना कहीं सरकार को मजबूती देने का ही काम किया गया है। और मैं तो यहां तक भी कह देता हूं, मेरे मन में यह विचार आया है कि ये कहीं सरकार के इशारे पर ही ना लाया गया। अच्छा। हो, ताकि ये सरकार को ये दिखवा सके कि देखो आज हमारे पास विश्वास मत है, हमारा ये सरकार के इशारे। बीएसी की मीटिंग में हो सकता है ऐसे शेरों शायरी भी फिक्स की जाती है कि आपने ये शेर बोलना है, उसके जवाब में मैं ये शेर बोलूंगा, और आप अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर ये शेरों शायरी में हम इस बात को टालेंगे। कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी की और भूपेंद्र जी की इसमें दोस्ती के भी संकेत मिलते हैं, और ये दोस्ती के ऊपर ही हुआ। अन्यथा कुरैशी जी, राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, डीपी वत्स की जगह खाली हुई और उसके लिए इलेक्शन होना था, वहां कांग्रेस के पास 30 विधायक तो हैं और दूसरे कह रहे हैं हमारे साथ आने थे, तो वहां उनको खाली क्यों छोड़ दिया? वहां खड़ा होना चाहिए डट के, क्या हो भाई इलेक्शन करवाएंगे।
वो प्लेटफॉर्म खाली छोड़ दिया। यहाँ 25 विधायक है, यहाँ जनता को ये दिखाते हैं कि सरकार ने जो है ना विश्वास मत प्राप्त कर लिया है, केवल मात्र ये दिखाने के। दूसरी बात, सरकार कहती है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है और हम उनके ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई करने का काम करते हैं। रजिस्ट्री घोटाले में आपने 232 कर्मचारियों की सूची बनाई थी और ये कहा था कि ये इसमें संलिप्त पाए गए हैं भ्रष्टाचार में, जनता के सामने क्यों रिपोर्ट पेश नहीं की, आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, और जो आईएएस 4 अधिकारी आपने पकड़े थे उनको बड़े बड़े पदों से दोबारा क्यों नवाजा जा रहा है, और ऐसी कौन सी बात है कि आप हर रोज पकड़ते हो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर महीने 15 जनसेवक पकड़े जाते हैं, ऐसी कौन सी बात है मेरे भाई कि वो पकड़ते हैं और उससे ज्यादा फिर पैदा हो जाते हैं, पकड़ते हैं उससे ज्यादा फिर पैदा हो जाते हैं। पानीपत में एक शराब, जहरीली शराब पीने से 4-5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उसी व्यक्ति ने जिसने जिसकी शराब के कारण पानीपत में लोग मारे गए थे निर्दोष लोग, यमुनानगर में जाकर के फैक्ट्री खोल लेता है और फिर वहां नकली शराब मिलती है उसी व्यक्ति की और फिर उसको निकल जाते। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को ये पकड़ते हैं। दो दो बात हो गई, सवाल आदित्य कुमार जी के लिए इसमें और एक सवाल रविंद्र डोल जी आपके लिए है कि आज के इस घटनाक्रम से विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं कि इससे तो एक तरीके से सरकार को मजबूती ही मिली है, कहीं पहले से ही कोई सेटिंग ना हो सरकार को मजबूती देने के लिए। और अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात थी तो जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें ही आप लोग पहले मैदान में उतर जाते, वही चुनाव कराते हैं, वो पहले उसी दिन क्लियर हो गया था कि जरूरत ही नहीं है चुनाव कराने की। देखिए नासिर, सेटिंग शूटिंग का काम चौटाला परिवार का है, कांग्रेस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आगे पीछे ये परिवार घूमते हैं जिनकी दो पार्टी हरियाणा के अंदर है, कांग्रेस को ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े है। हम यहाँ पर कोई भाजपा के साथ आगे पीछे भाजपा के खिलाफ वोट मांग के भाजपा का समर्थन देने वाले लोग नहीं है। हम वो लोग नहीं है तो ये कहेंगे कि भाजपा के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम भाजपा के राज्यसभा के जो है कैंडिडेट को वोट देने का नाम करें, काम करें कि भाई पारिवारिक संबंध है ये नाम लेकर के, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, और फिर हम ये कहें कि हम भाजपा के खिलाफ दिखेंगे या भाजपा के खिलाफ है। हम वो लोग नहीं है, हम खिलाफ थे, खिलाफ है और खिलाफ रहेंगे। कांग्रेस कभी जा ही नहीं सकती है भाजपा के साथ, चौटाला परिवार कभी आ ही नहीं सकता भाजपा से बाहर। ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई इतिहास भी जानता है, ये वर्तमान भी जानता है, ये भविष्य भी जानता है। कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता, स्वाद से इस बात को सब जानकारी समझी जा रहे हैं। बावजूद उसके जो है जनता को धोखा रखने का काम किया गया, सरकार बनाई, लेकिन किशन जी नहीं होते अभय सिंह जी, ये भी एक सच्चाई है, एक सच्चाई है। और इन्होंने बाद में दिखाया, आप वोट इसलिए दे रहे हैं कि भी पारिवारिक संबंध है, क्यों दे रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में आपको जी विजेंद्र जी, क्यों दे रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट को वो, कांग्रेस के कैंडिडेट मीरा कुमार जी उस समय पर नहीं दिखी थी क्या, जब रामनाथ कोविंद जी बाद में राज्यसभा के चुनाव के दौरान क्यों आपने कार्तिकेय को वोट दिए? हाँ, राष्ट्रपति चुनाव के लिए हम इनका क्यों दे, कांग्रेस का वोट क्यों दे हम, क्यों क्यों हम कांग्रेस को विजय बनाने का काम करेंगे, इसलिए हमने वोट दिया। जो राज्यसभा में हमने पहले हरियाणा वोट देने का अभय सिंह चौटाला ने काम किया, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन थे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इस तरह के कामों की। हाँ, अजय माकन के टाइम अजय माकन के जो कांग्रेस का अजय माकन हारा था वो किस कारण से हारा था सबको पता है, वो शाही कांड हरियाणा प्रदेश के इतिहास में काले शब्दों में लिखा जा चुका है। वो किसकी बोटे को निरस्त करने का काम किया था, वो कांग्रेस ने करवाई थी ताकि बीजेपी का उम्मीदवार सुभाष चंद्र डोना जीत जाए, वो कांग्रेस के कारण किया था। इसी प्रकार से दोबारा एक वोट जो रद्द हुई जिसका आज तक उसकी जो ना कंस्पिरेसी आज तक भी क्लियर नहीं हुई है कि वो वोट किसने जो है ना गलत करवाने का काम किया था, वो जिसके कारण से जिस एक वोट के कारण से भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद चुना गया और आज जो सुभाष बराला जी को राज्यसभा में भेजने का काम किया, यही पहले तो वोट को ही अदला बदली करते थे कांग्रेस वाले, आज तो मैदान ही खाली छोड़ने का काम कर दिया कि जाओ आगे से हम आपके आगे खड़े ही नहीं होंगे, जो ऐश करो मजे लो। और फिर हम इनेलो वाले तो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं
सिग्नल आ रहे हैं। जो फैसला लेता लेना होता है दृढ़ता से ओपनली लेते हैं, अंडरग्राउंड नहीं लेते, षड्यंत्र के तहत नहीं काम करते। दीप कुमार जी आप कुछ कह रहे थे जी। देखिए एक तो जहां तक सेटिंग की बात रेडू जी ने कही कि कोई सेटिंग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, सेटिंग का एक वाक्य तो मुझे याद आता है जब दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव था राज्यसभा का और उन्होंने नॉमिनेशन भरा था उसके बारे में। एक मिनट कमल भाई, उसके बारे में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की सेटिंग की बात मैंने अच्छा की। उसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक सेटिंग बताई थी कि एक सेटिंग उन्होंने की दीपेंद्र के राज्यसभा चुनाव के वक्त, और मेरे पास वो वीडियो है पूरा प्रॉपर अच्छे वाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि दीपेंद्र के राज्यसभा चुनाव के लिए मैंने वोट मांगे और अभय सिंह को फोन किया, अभय सिंह का भी वोट मांगा और अभय सिंह ने सहमति जताई कि हाँ मैं अपना वोट आपको दूंगा दीपेंद्र हुड्डा को। हालांकि उसके लिए क्योंकि फिर नॉमिनेशन नहीं आया तो वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने दीपेंद्र के लिए अभय चौटाला से वोट मांगा और अभय चौटाला ने सहमति दी। एक बात तो ये सेटिंग करना, और दूसरी बात आपसे आप किसी अपने बेटे के लिए किसी चुनाव के लिए किसी से वोट मांगते हैं वो सहमति देता है आपको, जब वो वोटिंग ही नहीं हुई चार महीने बाद उस बात का खुलासा भी कर देना, उस आपको समर्थन करने वाले अभय चौटाला की फजीहत भी करवा देना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ये एक करैक्टर है उनका कि अपने फायदे के लिए अपने बेटे के लिए कांग्रेस पार्टी को दांव पे लगा दो, अपने मित्रों को दांव पे लगा दो, हरियाणा की राजनीति को दांव पे लगा दो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसको कौन पहचानेगा इनको, ये बार बार एक्सपोज हो लिए, बार बार हार लिए, बार बार इनको मैं मानता हूं कि इन्होंने जैसे कहते ना कि इस घर को भी खा जाए उस घर को भी खा जाए, ये वो उस टाइप की डायन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पता नहीं किस किस को निगल चुकी है। और इसके बाद मैं अपनी बात क्योंकि फिर बाद में और चीजें हो जाएंगी, हमारी पार्टी के बारे में ये एक सज्जन जो है ये कह कहकर इस पार्टी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है और उसी पार्टी के बारे में बोले जा रहे हैं। ये क्या शब्दावली यहाँ पर पैनल में चल रही है? डायन है भूपेंद्र सिंह, नहीं नहीं ये सब तो ये सब खा गए हैं, ये सब तो नहीं चलते ना अपने दादा को अपने चाचा को नहीं, वो सब चलते हैं जो आज शमशेर गोगी ने बोला था, वो सब चलते को विधानसभा से विधानसभा के मंच पर खड़े होकर होंगे, लेकिन एक बोल रहे डायन वगैरह शब्द थोड़े क्यों नहीं है विधानसभा के मंच पर कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या क्या शब्द बोलते हैं आज आज के दिन बोले होना चाहिए सीजन टाइम को पता होना चाहिए कि किसी नेता के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में किस प्रकार बोल रहा हूँ मैं किया जाता। और गिनवा दूंगा, मेरे पास तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, 15-20 साल का रिकॉर्ड है इनका। दूसरी बात के अंदर दूसरी बात चलती है, हमारे यहाँ पर इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात बता रहा हूँ हमारी पार्टी के बारे में आधारहीन बातें ये कहकर कि हमें इनकी पार्टी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, फिर भी लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, भाषण वो दे रहे हैं, बीजेपी को भी ज्ञान दे रहे हैं, इनेलो को भी ज्ञान दे रहे हैं, जेजेपी को भी दे रहे हैं, वो जो इनेलो में होते थे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, वो सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपके यहाँ पर बैठकर, अपना इतिहास याद नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस अविश्वास प्रस्ताव हो या कोई और मौका हो, एक बात बार बार हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है, एक बार हमारे ऊपर बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ था, कौन किसके खिलाफ लड़ा था और किसके साथ क्यों सरकार बनाने के लिए चला गया, वो हम बार बार बता चुके हैं कि ये जनता का जनादेश था, जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया और उस जनादेश को हमने सिर माथे लगाकर हरियाणा को एक मजबूत सरकार दी। आज हमारी पार्टी ने एक बार फिर एक बात साबित की है कि पिछले 4.25 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को 100 दिक्कतें आई होंगी, बार बार चुनाव झेले होंगे, अलग अलग मौके आए होंगे, उनको एक बात की चिंता कभी नहीं हुई कि विधानसभा में उनके पास नंबर तो आपकी पार्टी उनको कभी इस बात की आपकी पार्टी आपकी पार्टी में मेरी बात पूरी कर लेता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैं अगले विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ रहेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनवाएंगे, ये कोई बिल्कुल इसका कोई तर्क नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं जो पीछे इतिहास की बात बता रहा हूं कि हमारी पार्टी दोगली बात नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी की तरह या किसी और की तरह, हम पहले दिन से इस बात हमारे ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं समर्थन देने के लिए, और मैं उस बात को फिर से कह रहा हूं, हमने 4.25 साल ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया है, एक दिन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी पार्टी के 40 विधायक होते हुए इस बात की परवाह नहीं हुई कि उनके पास बहुमत में कोई कमी है, क्योंकि वक्त की कमी है, कोई भी मौका आया हो हम पीछे छूट गया था, लेकिन आपसे पीछे नहीं हट रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हमने ये किया या वो किया, मैं इस बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, नासिर सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि ये बार बार कह रहे हैं कि चर्चा का समय नहीं दिया गया, इनके कौन से नेता हैं जिनको बोलने का समय नहीं दिया गया, हुड्डा जी भी बोले, किरण जी भी बोले, गोगी जी भी बोले, हालांकि क्या बोले हम सभी ने देखा, गीता बुक्कल जी भी बोले, बत्रा जी भी बोले, ऐसा कौन सा नेता है जिसको समय नहीं दिया गया। और मैंने यहाँ पर जिक्र भी किया
कि माननीय स्पीकर महोदय ने उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया बोलने के लिए, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई वो भागे इसलिए क्योंकि जनता के सामने कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि इनकी खुद की हकीकत क्या है। और आज जिस प्रकार से एक परफॉर्मेंस की सरकार मिली है हरियाणा को, तो वहां वो कहीं पर भी टिकते नहीं है। दूसरी बात, यहां पर एक और भी कही गई कि हर महीने 15 जनसेवक पकड़े जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है जी? पुरानी रीति नीति से लगे हुए हैं, पुरानी परंपरा के लोग हैं, तरीका वही सोचते हैं, लेकिन हम उनको पकड़ लेते हैं, हम ये काम जरूर करते हैं। एक प्रश्न और भी किया गया यहाँ पर शेर शायरी को लेकर, मुझे लगता है ये सभी को बहुत क्लियरली दिखाई दिया कि किस प्रकार से जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो बीच में से हुड्डा जी एकदम से उठे, खड़े हुए, शेर पड़ा और बैठ गए। अब जो जिस तरह का प्रश्न किया जाएगा उस तरह का जवाब देने की तो हमारी आदत है, और हमने वैसा ही इनको जवाब दिया, और बाद में कहते हैं कि जी ऐसे शेर व शायरी क्यों पढ़ी जाती है, तो जैसा प्रश्न होगा वैसा जवाब देगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, मुझे इस चीज का जवाब नहीं आया मुझे इस चीज का, ये भागे क्यों? ठीक है मैम, ये रुके क्यों नहीं वोटिंग तक? इन्होंने अपनी फजीहत कराई है, लेकिन ये बता दे ये भागे क्यों, रुके? अगर फजीहत हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अविश्वास प्रस्ताव लेकर कौन आया था ये भी तो पता होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी की फजीहत हुई है, जवाब एक बार कोई कहे तो ये कि भूपेंद्र हुड्डा का लाया हुआ अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। रविंद्र जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो सर अपनी बात रखिए, स्वीकार तो करें इस बात को कोई। कांग्रेस में जीत गए तो भूपेंद्र हुड्डा, वही तो कह रहा था, यही तो दोगलापन है, यही तो उनके सलाहकारों का दोगलापन है, उनके चापलूसों का ये तो दोगलापन है। जीतते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जीतते हैं, जीतते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं, हारते हैं तो कांग्रेस विधायक दल हारता है, कांग्रेस पार्टी हारती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उनसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा को यही विराम देना होगा। दीप कुमार सारण जी आपका शुक्रिया, रविंद्र डुल साहब आपका शुक्रिया, वंदना पोपली जी आपका शुक्रिया, और विजेंद्र रेड्डू जी आपका शुक्रिया। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया था, वो विधानसभा में गिर गया, कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई, उसके बाद से फिर एक नई चर्चा को जन्म मिला है। अब आने वाले वक्त में किस तरह के समीकरण राजनीति के होने वाले हैं हरियाणा में, यह अलग वक्त है, अलग बात है और वक्त बताएगा। लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार ने अपना विश्वास कायम रखा विधानसभा में, हालांकि लगातार विपक्ष के विधायक ये कहते रहे, अभय चौटाला भी कहते रहे, कांग्रेस के विधायक भी कहते रहे कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही और इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबर अभी तक के साथ।